खलिया टॉप पहुंचने के बाद एहसास ही जुदा है। तो हम लोग बेसिकली पहुंच गए खलिया टॉप पे बहुत मेहनत के बाद में। ये ट्रैक जो है ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। सब लोग आइए, फैमिली के साथ आइए, अपनी अपनी बच्चों को जरूर लाइएगा, बच्चों को जरूर लाइएगा, बच्चे ही आप लोगों को सिखाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं खलिया टॉप के लिए, कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं सही समय पे। और थोड़ा अभी निकल के थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, गाड़ी की जुगाड़ करेंगे जैसे ही मिल जाए। और इस वक्त हो रहा है अभी 7:30 और पहुँचने की उम्मीद है वहाँ पर 10 बजे। 10 बजे वहाँ पहुँच के ट्रैक शुरू कर दें। अगर 8 किलोमीटर का ट्रैक है तो मान लेते हैं 3 घंटे या 4 घंटे हमको लग जाएंगे, तो 3-4 बजे तक कर लें। बट ट्विस्ट ये है कि अभी वहाँ पे स्टे करने की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो स्टे अगर करने को नहीं मिलता है तो वापस आना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हम जा रहे हैं उतना जल्दी हमको वापस आना पड़ेगा, और नाइट लेट हो गए अगर तो लेने के देने पड़ जाएंगे बॉस। जो है ये हमारा होटल है जो पीछे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है विजय माउंट व्यू। अभी तो रिसेंट अपडेट अभी ये है कि यहाँ पे सामान रखने के लिए बोल दिया है हमने यहाँ के स्टाफ से, और यहाँ पे जितना जो एक्स्ट्रा सामान था वो सब यहाँ रख देंगे, और जो लगेज बहुत नेसेसरी है जो वाइटल है वो लेके जाएंगे। जैसे कि ये वाला बैग, इसमें स्लीपिंग बैग और टेंट है। ये जो बैग है इसके अंदर सारे कैमरे एसेसरीज, बॉटल खाने पीने का सामान है, फिर सारा हम लेके जाएंगे। कोई कन्वीनियंस मिलना मुश्किल था, यहाँ से गाड़ी निकल रही थी, रोका उनको और उनसे पूछा कि क्या वो छोड़ देंगे, तो अभी देखते कैसे बात बनती है। जो है टैक्सी मिल गई है, 200 रुपये में छोड़ने को तैयार है खलिया टॉप तक, और मिलते हैं खलिया टॉप में। आगे टेंट लगाना था, कैंपिंग करनी थी, एक ऐसा ख्वाब था कि यार कैंप लगाएंगे रात को मस्त आग के बगल में बैठ के ये बजाएंगे छोटू अपना, लेकिन वो सपना साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने कहा है परमिशन लेके आनी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको कभी भी यहाँ पे आना हो तो आरओ की परमिशन नीचे से लेकर आइए, यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है अगर आपको कैंपिंग करनी है, टेंट लगाना है। अदरवाइज़ वहाँ पे ऊपर स्टे करने का ऑप्शन है, बट यार हमको तो कैंपिंग करनी थी, अगर कैंपिंग करने आते हैं तो नीचे से परमिशन लेकर आइए। तो हम लोगों को परमिशन नहीं मिली है, हम लोग जा रहे हैं, कोशिश करेंगे आज ही जाके खलिया टॉप से वापस नीचे आ जाएंगे और फिर नीचे स्टे करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। आप तो एंजॉय कीजिए पूरे ट्रैक पे हमारे साथ। भैया अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, बट अब ठीक ठाक पत्ती लगती नहीं है, और यहाँ पे एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम मुझे लगता है ज़्यादा है बाकी ट्रैक से। डोडीताल गया था उसकी हाइट ज़्यादा थी, बट इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी सांस में, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। यहाँ पे वैसे रास्ता बना के रखा है तो कन्फ्यूजन नहीं होती है,
चलने में और पहुंचने में, बट ये है कि मज़ा बहुत है ज़िंदगी में, देते हैं। और काली जांडा बेटो मल अति सुंदरी ला सुना। भाई ये ट्रैक जो है ना मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, मतलब बहुत सिंपल है पर फिर भी न जाने क्यों इतनी थकावट हो रही है, पसीना आ रहा है, मतलब लिटरली स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग ऐसा हो रहा है। प्लस ठंडी हवा चल रही है और हवा की वजह से कान में दर्द होने लग गया है, और ना कई कई जगह पे ब्लैक आइस आती रास्ते में, तो ना भाई फिसलने का बहुत डर, मतलब बहुत ज़्यादा डर रहता है, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है लिटरली जो आसपास के पत्थर हैं उसको। तो इन सब वजहों से ये जो ट्रैक है थोड़ा तो डिफ़िकल्ट सा हो गया है, बट अच्छी बात यह है कि रास्ता जो है प्रॉपर बना हुआ है, जो रास्ता है ये प्रॉपर बना हुआ है, तो आपको कहीं खोने की दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है कि आप कहीं इधर उधर भटक जाओगे। थकावट है, कैलोरी लूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पहुँच के बोलते हैं कि खाने को कुछ मिल जाएगा, रिफ्रेशर जो भी होता है वो मिल जाएगा, तो बस वही एक उम्मीद है अभी आखिरी। ये जो जिस तरह की गतिविधियाँ हैं ना, ये प्लास्टिक जो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, और ये जहाँ भी आप लोगों को मिले एक अच्छे पर्यटक बन के इन चीज़ों को या तो अपने साथ में ले लीजिए या डिस्पोज करने के लिए अच्छी जगह ढूंढ लीजिए। डिमांड बढ़ रही गाओ, हमसे नहीं होता, मैं बया लूंगा, आप लोग गाओ। हाँ ये मैं कर लूंगा, ये आप जो बोलो मैं कर लूंगा, ये मैं कर लेता ये मैं कर लेता हूँ, गाने गा लो जो गा सकता है वो गाए। कौन सा गाना है? एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अल्पाइन रेस्टोरेंट करके यहाँ पे जगह है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है और रुकने को भी जो है मिल जाता है, तो यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं। तो 3-4 किलोमीटर के बाद हल्की हल्की धूप जो खिली, खिल गई जिंदगी, रास्तों से दोस्त दी नहीं, बह रही हवाओं में खुशी। तो मैं एडल्ट वाला बनवा रही हूँ ब्लॉग मैं जो सबसे दूर हूँ एक सुरूर हूँ, मुझको जहाँ मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास, वादियों में घर मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास, वादियों में घर मिल गया। मौसम कितना बदल जाएगा ना, कुछ महीनों बाद पौंडीचेरी चलेंगे, मतलब अगले महीने ये नजारे ये बहती हवा नदियों से इश्क मेरा, शोर है कम पर बातें चलता रहे ये सिलसिला, मेरी ही धुन पर गाते ये जमीन आसमान, खुश और गम कुछ भी छोड़ है। तो हम लोग बेसिकली पहुंच गए खलिया टॉप पे बहुत मेहनत के बाद में। तो ये खलिया टॉप है, ये इसके नज़ारे हैं, हम लोग निकले थे वहाँ से नीचे से बेस से 9 बजे और अभी लगभग 1 या 1.5 बज रहा है और इतने घंटे हमको यहाँ पे पहुँचने में लगे हैं। थोड़ा सा टफ है क्योंकि बर्फ़ गिरी है और थोड़ी पुरानी हो गई है तो जम गई है और पैर वगैरह से फिसलते हैं, बट जो भी करना पड़े यहाँ पे आने के लिए वर्थ है, बिकॉज जो व्यू है वो ये है। मैं जो सबसे दूर हूँ एक सुरूर हूँ, मुझको जहाँ मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास, वादियों में घर मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास, वादियों में घर मिल शहरों से दूर कुदरत के पास, वादियों में घर मिल गया।
ये तो गोल्ड है।